नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम साथियों आपको बताएंगे गाउट की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, जो उसको पूर्णतया जड़ से ठीक कर देंगी। पहले साथियों समझ लेते हैं गाउट होता क्या है। गाउट एक तरह की आर्थराइटिस होती है। गाउट में हमारे जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होता है वो हमारी जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और हमें पेन कॉज करता है और स्टिफनेस कॉज करता है। तो यह यूरिक एसिड के जॉइंट्स में डिपोजिशन होने को और जॉइंट्स की सूजन को गाउट कहते हैं। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉज के बारे में कि ये गाउट होता क्यों है। साथियों हमारे बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है। प्यूरिन जो हमारे बॉडी का प्रोटीन होता है, इसके मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। जब हमारे बॉडी में किडनी इस यूरिक एसिड को कम सिक्रीट कर पाती है, एक्सक्रीट कर पाती है, या फिर हमारे बॉडी में एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है उन चीज़ों को खाने के कारण जिनमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो यह जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है, यही आपके गाउट का कारण होता है, गाउट की बीमारी का कारण होता है। साथियों अब हम आपको, अब यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया, आपके जॉइंट्स पे स्टिफनेस आ गई, लाली आ गई, दर्द होने लगा, एक्सट्रीमली पेनफुल हो गया, तो इसको दूर कैसे करा जाए। इसकी साथियों बहुत कारगर दवाएं होम्योपैथी में जो परमानेंट तौर पे, स्थायी तौर पे आपको ठीक कर देती हैं। पहले साथियों हम लोग चर्चा करते हैं ग्रेट टो की, जो पैर का टो होता है और पैर का तलवा होता है हील, उसमें अगर आपको पेन है, लाली है, ठोकर से दर्द लगता है, शूज़ पहनने से दर्द लगता है और टो आपको थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है साथियों, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में है कोल्चिकम। कोल्चिकम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार जुबान पे ले लीजिए, आपका जो ग्रेट टो की रेडनेस और पेन है और जो आपके हील का पेन है वह ठीक हो जाएगा, परमानेंट रूप से ठीक हो जाएगा, क्योंकि यूरिक एसिड आपका इन दवाओं से कंट्रोल हो जाएगा। फिर साथियों एक दूसरी स्थिति आती है, हमारे रिस्ट और नी में पेन हो। अगर आपकी कलाई और नी में पेन हो रहा है साथियों, तो इसके लिए बहुत कारगर दवा है एसिड बेंस। आप एसिड बेंस 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ज़ुबान पर ले लें, तो आपका जो रिस्ट का पेन होता है और आपके जो नी में पेन होता है गाउट के कारण, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। शर्त एक है कि जो एसिड बेंस का मरीज़ होता है उसकी यूरिन में बदबू आती है, ऑफेंसिव ऑर्डर होता है। अगर ये कंडीशन आप में एग्जिस्ट कर रही है तो आप समझ लें आपके लिए बेंजोइक एसिड सबसे अच्छी दवा है। फिर साथियों तीसरी एक स्थिति आती है, हमारी फिंगर्स में पेन है, हमारे फिंगर और एंकल में पेन हो गया है, जहाँ पे हमारे नीचे वाले पैर का जॉइंट होता है उसमें बहुत पेन हो गया, रेडनेस हो गई, सूजन आ गई है, तो इसकी बहुत कारगर दवा है लीडमपाल। लीडमपाल 30 आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद अगर ज़ुबान पर ले लेंगे तो इससे आपके जो है वह यह पेन ख़त्म हो जाएगा। लीडमपाल में 2 प्रमुख सिम्टम होते हैं। पहला सिम्टम होता है कि गर्मी से इसमें तकलीफ़ बढ़ती है, यानी सिकाई जब आप जोड़ की करते हैं तो आपकी तकलीफ़ बढ़ती है, और एक दूसरी बात होती है कि इसका पेन एसेंडिंग टाइप होता है, नीचे से ऊपर की तरफ शरीर में पेन आता है। तो अगर यह 2 सिम्टम है तो आपके जो फिंगर या पैर के तलवे में दर्द हो रहा हो, उसकी सबसे कारगर दवा लीडमपाल 30 है। फिर साथियों एक स्थिति आती है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया है और वह जो है आपके रिपोर्ट में शो कर रहा है, तो उसको सबसे अच्छी दवा उसको कारगर कम करने की है यूट्रिका यूरेंस 30 की आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार जुबान पे उस स्थिति में ले लें, जब आपकी ब्लड रिपोर्ट बढ़ा हुआ यूरिक एसिड दिखा रही हो और यूरिक एसिड आपके किसी भी जॉइंट के डिपोजिशन में शुरू हो गया हो। फिर साथियों एक और स्थिति आती है, जब हमारे जोड़ों में सूजन हो, जोड़ों में जब सूजन हो और पेन हो रहा हो, सुबह की स्टिफनेस हो रही हो, तो उसकी 2 बहुत कारगर दवा हैं, लिथियम कार्ब और बेंजोइक एसिड। इसमें लिथियम कार्ब साथियों या छोटे जोड़ों में दर्द की दवा है। अगर आपके स्मॉल जॉइंट्स में यूरिक एसिड बढ़ने से पेन हो रहा है तो आप लिथियम कार्ब 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद जुबान पे ले लें, आपका यह पेन ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसमें लाली है और आपको लग रहा है कि हड्डी बढ़ रही है और यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसके लिए साथियों बहुत अच्छी दवा बेंजोइक एसिड 30 है। इसको आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद ले लें, तब भी आपका जो यूरिक एसिड का इन्फ्लेमेशन है वो बंद हो जाएगा। फिर साथियों एक चीज़ आती है कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पथरी बन रही है, हमारे एक तो गाउट है और गाउट के साथ पथरी भी बन रही है। तो अगर आपके लेफ्ट किडनी में पथरी है,
तो बर्बेरिस वल्गरिस बहुत अच्छी दवा है, इसकी आप 20 ड्रॉप 2 टाइम्स पी लें, इससे आपका जो है यह तकलीफ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके पथरी बनना बंद हो जाएगा। और अगर आपके लेफ़्ट किडनी में पथरी बार बार पड़ रही है, बाएं गुर्दे में पथरी बार बार पड़ रही है, तो इसकी सबसे कारगर दवा साथियों है लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम 1,00,000 पावर में, CM पावर में एक ड्रॉप हर हफ्ते ले लें, आप देखेंगे कि आपके बॉडी की पथरी बनना बंद हो जाएगी, आपका यूरिक एसिड जो है वह नॉर्मल आ जाएगा। ये साथियों कुछ कारगर दवाएं थी जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी यदि आप इनको करेंगे। यूरिक एसिड कंट्रोल करने का साथियों एक बहुत रामबाण मैं आपको तरीका बताता हूँ। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उससे आपको डिपोजिशन हो रहा है, तो इसके लिए आप सलाद में मूली खाना शुरू कर दें। मूली खाने से 15 दिन के अंदर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है और आपके जो क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं वो ज़्यादा पानी पीने से खुद ही डिजॉल्व होने लगते हैं और आपका धीरे धीरे पेन, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये साथियों बहुत कारगर दवाएं थी आपके गाउट के कंडीशन के विषय में, जो कि एक तरह की आर्थराइटिस होती है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9415786380, या फिर आप कमेंट पोर्शन में अपने कमेंट को लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक उत्तर दे पाएं। साथियों यह प्रयास था हमारा कि इस आपको ये एजुकेट करने का कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं। बहुत से हमारे भाई साथी हैं जो बहुत इंटीरियर में होते हैं, जहाँ पे क्वैक्स होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, लोग उनके पास भी चले जाते हैं जब उनको तकलीफ़ होती है। तो आपको अपनी सही दवाओं के बारे में मालूम हो, हो सकता है डॉक्टर की अपनी राय है, वो इसमें कुछ दवाएं और ऐड करे या कम करे, लेकिन ये बेसिक दवाएं हैं जो आपके गाउट में कारगर हैं। ये आपको नॉलेज हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों अगर आपको यह प्रयास, जो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ, अगर आपको यह प्रयास हमारा ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह एक जानकारी उन तक पहुँच जाए और वो अपने को ठीक कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें अदृश्य बल मिलेगा। धन्यवाद।